जजेस अपने बीवी बच्चों के एक्ट्स के जिम्मेदार नहीं है, कैसे देखते हैं इस लाइन को? तो यार ये एक समझ में नहीं आने वाली बात करके मुजरिम भाग जाता है क्या, इसका एप्लीकेशन जो है वो नवाज शरीफ की? यार वो तो दवाई लेने गए हुए ना, ठीक वो भागे तो आप चले, मेरा ख्याल वो दवाई लेने गए हुए। माए बहने होती है, उनको आवाजें कस रहे होते हैं, हुटिंग हो रही है, तंग कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, उनके लिए क्या लॉ पेश हुआ? उसको 1,00,000 जुर्माना और 3 महीने की सजा दी जाएगी। पैसे भी इतने ठुक जाएंगे जो आप नहीं दे पाओगे और जेल के पीछे आपको चपेटें भी पड़ सकती हैं अक्सर, वो शायद पता ना चले लेकिन पड़ेंगी जरूर। विजुअल एविडेंस मौजूद हो, सारे एविडेंसेस मौजूद हो, जैसा नूर मुकदम के अंदर भी चल रहा है, तो उसमें क्या कुछ अमेंडमेंट की गई है? जुल्म का निजाम बेशक चल जाता है ठीक, लेकिन ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। यहाँ पे हम लोगों को स्पेसिफिक इदारों के बारे में बात करते टाइम 10 दफा सोचना पड़ता है कि कहीं कहीं हम तोहीन अदालत तो नहीं करने लग गए, कहीं हम नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं चले गए, कहीं हम मजहबी तौर पर वाजिबुल कत्ल तो नहीं ठहरा दिए जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू द correspondent.pk, दिस इज योर होस्ट इस्माइल कासिम, एंड आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब हैदर मजीद, ही इज अ वर्किंग लॉयर एंड एडवोकेट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने क्रिमिनल लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स पेश की जो कि अप्रूव हुई प्राइम मिनिस्टर से एंड मेजॉरिटी की तरफ से कैबिनेट में भी उनको मंजूरी मिली, कैसे देखते हैं? इज इट समथिंग जो कि बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा? जुवेल कासिम, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो इमरान खान आई थिंक 1997 से जो एक उनकी बात थी उसको लेके आ रहे थे कि एक मुल्क में कानून अमीर और गरीब के लिए एक होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो अमीर लोग थे वो कानून को अपनी तरफ मोड़ लेते थे और जो गरीब लोग थे उनको हमेशा अदालतों से सिर्फ तारीख ही मिली है। ठीक, तो इसमें जो अमेंडमेंट्स आई हैं ये ऑलमोस्ट 700 के करीब अमेंडमेंट्स हैं जो क्रिमिनल लॉ में है। ओके, जिसने हमारे जो क्रिमिनल सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल इसको बदल के रख देंगी। इमरान खान ने और गवर्नमेंट ने जो काम करना था वो उन्होंने कर दिया, अब आगे इसको इम्प्लीमेंट करना है वो हम लॉयर्स ने करना है और हमसे पहले जुडिशरी ने करना है। जैसे कि इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ कि जिसकी हमारे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी स्पीडी जस्टिस। ठीक, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ऐसे था कि जैसे कुछ चीज़ें आपने भी मीडिया के थ्रू सुनी है, हमने भी सुनी है के लोग जेलों के अंदर फौत हो जाते हैं और उसके बाद उनके फैसले होते हैं और पता चलता है उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है और वो बरी हो जाते हैं। बहुत हार्श रियलिटी थी। अब इसमें खुश आयन चीज़ ये है कि किसी भी क्रिमिनल जो केस है उसका फैसला जज ने 9 महीने के अंदर अंदर करना है। अच्छा, इससे ज़्यादा इसको नहीं लेके जा सकते। कुछ केसेस में अगर वो लेके जाएंगे तो इस पे जो चेक एंड बैलेंस रखना है वो लाहौर हाई कोर्ट ने रखना है, ना कि किसी सियासतदान ने, ना गवर्नमेंट ने, ना मिनिस्टर ने रखना। ठीक, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रखना है कि कोई जज अगर केस को 9 महीने से ज़्यादा लेके जाता है तो लाहौर हाई कोर्ट उसको एक्सप्लेनेशन नोटिस सर्व करेगी और वो बताएगा जज कि मैंने क्यों, किस वजह से ये केस अभी तक ख़त्म नहीं किया। तो ये एक बड़ी खुश आयन चीज़ है कि जिसकी वजह से गरीबों को इंसाफ जल्दी मिलेगा। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरत थी कि मतलब हम कह सुनते आए बचपन से कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन हमारे के अंदर, मुल्क के अंदर तो सैडली रियलिटी ये रही। तो लेकिन ये अगर अमेंडमेंट की गई है कि 9 महीने के अंदर किसी भी केस का राइट अगर फैसला सुनाया जाना मैंडेटरी किया गया है, तो आई थिंक इट्स अ ब्रेक थ्रू। मैं यहाँ पे रिसेंटली चीज़ों के ऊपर लेके आऊँगा, 2 केसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए और अभी प्रेजेंटली चल भी रहे हैं, उस्मान मिर्ज़ा हो गया, नूर मुकदम हो गए। हमने ये तो कहा कि चलो 9 महीने में कुछ केसेस को सॉर्ट आउट करना है, इस सिलसिले में क्या होगा कि वीडियो एविडेंस भी मौजूद है? स्पेसिफिकली अगर मैं उस्मान मिर्ज़ा केस की बात करूँ, विजुअल एविडेंस मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन कुछ उसको अभी भी तारीख पर तारीख चलती जा रही है। और वही ना पॉइंट, प्रॉब्लम ये आती है कि जब केस डिले हो जाता है तो जिस तरह उस केस में हुआ कि लड़की और लड़का इवेंचुअली हैड टू बैक आउट, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब विजुअल एविडेंस मौजूद हो, सारे एविडेंसेस मौजूद हो, जैसा नूर मुकदम के अंदर भी चल रहा है, तो उसमें क्या कुछ अमेंडमेंट की गई है?
देखिए कासिम, जैसे पहले चलता आ रहा था, अभी ये तो चले दो केसेस है जो अभी चल रहे हैं। मैं आपको एक बड़ा मशहूर केस कोट करता हूँ कि क्वेटा में एक सियासतदान ने, एक एमपीए थे आई थिंक, उन्होंने अपनी गाड़ी एक वार्डन के ऊपर चढ़ा दी, इसकी मौके पर डेथ हो गई थी। बिल्कुल ऐसे ही ठीक, और देखा गया कि बाद में आफ्टर ट्रायल अब वो बाइज्जत बड़ी हो गई और पूरी दुनिया ने देखा कि उस बंदे ने उस वार्डन के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसका लकुना क्या था? उसका ये था कि आज से पहले, क्योंकि वीडियो जब एडमिसिबल आपने कोर्ट में करवानी है, तो जिस शख्स ने वो वीडियो बनाई है उसका बयान भी उतना ही जरूरी है जितना कि वो वीडियो की एडमिसिबिलिटी है। ओके। उस केस में वीडियो मेकर अदालत में नहीं आ सका जिस भी वजह से, और उस बिना पे, उस लकूने की वजह से वो जनाब बाइज्जत बरी हो गए। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये अमेंडमेंट इसमें किया है कि कोई वीडियो जिसकी फॉरेंसिक हो जाए और उसकी अथेंटिसिटी साबित हो जाए वो एडमिसिबल है कोर्ट में, और उस वीडियो की वजह से, फॉरेंसिक और अथेंटिसिटी की वजह से, अब वीडियो मेकर जो है उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। और इसी तरह अब उस्मान मिर्ज़ा केस में भी और नूर मुकद्दम केस में भी इस अमेंडमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, जितने भी केसेस जो ऑलरेडी चल रहे हैं अब तक, ये अमेंडमेंट्स आते हैं उन पे भी एप्लीकेबल हो गए? यस यस, उन पे भी एप्लीकेबल हो, उन पे भी एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल, उम्मीद कर सकते हैं ये कुछ उस्मान मिर्ज़ा के केस में और नूर मुकद्दम में कोई। देखिए, ऐसे अनफॉर्चुनेट केसेस है कि जिसको डिसाइड करना अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक, ये इन केसेस से हमारे मुल्क के जुडिशियल सिस्टम का तशख्स जुड़ा हुआ है। ठीक, और ये केसेस इस तरह के हैं जिसमें मेरा ख्याल है कि पुलिस भी हल्का सा भी लेफ्ट राइट नहीं होगी, क्योंकि इसको मेरा ख्याल है एज पर न्यूज़ और जो सारा कुछ हम देखते रहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इन केसेस को वॉच कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो अमेंडमेंट है बिल्कुल इस पर भी एप्लीकेबल होंगी और इसका मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। अच्छा रिजल्ट आएगा। यू स्टेटेड समथिंग कि हमारी जुडिशरी का इमेज सारा एसोसिएटेड है इसके साथ। बिल्कुल ऐसे। हमें गैलप सर्वे ने अभी जो रिसेंट आया उसके अंदर वी वर रैंक्ड 130 आउट ऑफ 139 कंट्रीज व्हेन इट केम टू द जस्टिस सिस्टम। डू यू थिंक कि इस अमेंडमेंट से कुछ तब्दीली आ सकती है, कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, ये जो गैलप सर्वे है सारा कुछ है, ये लिया गया आई थिंक जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है। अगर कोई केस 10 साल 20 साल 25 साल चलता रहा है और जजेस उसका फैसला नहीं कर सके, तो ये हमारे जो रैंक है उसको जुडिशियल सिस्टम को नीचे लेके आता है। और जैसे ये अब 9 महीने के अंदर अंदर जब केसेस डिसाइड होना शुरू हो जाएंगे, इनकी पेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली जो जुडिशियल सिस्टम के रैंक है ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा सकती है और इंशाल्लाह होना भी ऐसे ही चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा, जस्टिस का पुलिस के साथ बड़ा ज़्यादा मतलब कोरिलेशन होता है, मतलब दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। बिल्कुल। इसके अंदर हम यूजुअली देखते हैं कि पुलिस जो है कभी कभी एफआईआर ही नहीं दर्ज हो रही होती, एट टाइम्स हम देखते हैं कि बगैर वारंट के पुलिस उठा के ले जाती है। तो पुलिस रिफॉर्म्स का भी कुछ जिक्र हुआ है इन अमेंडमेंट्स के अंदर? बिल्कुल, एक ये भी है, और इसके साथ साथ ही मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूँ कि फॉल्स केसेस बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक, अब इसमें एक तो सबसे पहले किया गया ये है कि जो हमारे जो क्राइम है और जो लोगों को, वो सबसे पहले डील कर रहा होता इलाके के एसएचओ ने। ठीक, अब इलाके के एसएचओ अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, अगर वेल ट्रेंड नहीं होगा, तो वो लोगों को उस तरह डील नहीं कर सकेगा, वो नहीं होता। हाँ, नहीं, उस प्रॉब्लम को उस तरह डील ही नहीं कर सकेगा, वो गलत करेगा, अपना जो इन्फ्लुएंस यूज करेगा, कुछ भी करेगा। ठीक, एक तो इसमें मैंडेटरी इन्होंने ये किया है गवर्नमेंट ने कि जो एसएचओ होगा इलाके का वो मिनिमम ग्रेजुएट होगा, उसने बीए किया गया होगा। अच्छा, ठीक, लेकिन इस पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या इजाज़ शाह साहब ने उस पे थोड़ा सा किया था, तो इस पे इन्होंने अब चेंज ही किया कि प्रेफरेबली, ठीक, वो या सब इंस्पेक्टर हो और ग्रेजुएट हो। ठीक, एक तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हमें मिलेगी। ठीक, और दूसरा इसमें एक चीज़ इन्होंने और अमेंड की है कि आज से पहले लोगों को ऐसे ही उठा के ले जाते थे, उनका कोई वाइल वारिस नहीं और ये वो, ठीक, जिनके पीछे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उनको उठाया ले गए, दो दो चार चार दिन अपने पास रखा और पता ही नहीं है कि उनको कहाँ है हमारे बच्चे, उनके पीछे लोगों को नहीं पता, ना लॉयर को पता, वो लोग मारे मारे फिर रहे होते थे कहीं पर। अब इस पर एक तो ये किया है कि जिसको वो पकड़ेंगे उसको बताएंगे कि किस लिए आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक, उसके घर वालों को बताएंगे कि इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं, इनको हम लेके जा रहे हैं। ठीक, और उसके बाद जो थाने
और के अंदर जो हवालात होती है, हवालात पे नोटिस और जो उनके वो लिस्ट होगी कि जो जो लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया हुआ उनके नाम वल्दियत एड्रेस वहाँ पे लिखे होंगे, ठीक। और 24 घंटे के अंदर उनको मैजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना है इन्होंने, ठीक। मतलब अब ये नहीं है कि किसी को उठाया और को दो दो चार चार दिन अपने टॉर्चर सेल में रखा और उसके बाद बता दिया आके जी कि ये है और लोग आके यहाँ पे अपनी पिटिशन करें और उसके बाद जाके बंदे हमें मिल रहे हो। तो एक तो ये इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, मुशर्रफ साहब ने ना एक बड़ी अच्छी चीज़ की थी इसके काउंटर में कि जो पुलिस FIR नहीं करती थी, उन्होंने एक अमेंडमेंट की थी, उसे कहते हैं 22A(b), ठीक, जिस सेक्शन के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे वो ऑर्डर करते थे FIR का, ठीक, इंस्टीट्यूशन का, FIR के इंस्टीट्यूशन का, ठीक। लेकिन उसका भी लोगों ने गलत यूज़ करना शुरू कर दिया कि थाने में जाके अगर किसी का कोई गलत केस है और SHO कहता कि ये मैंने पर्चा नहीं दर्ज करना, झूठा है, तो वो क्या करते थे, वो वही एप्लीकेशन लेके आके डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास आ जाते थे 22A, 22B में और यहाँ से कुछ भी करके और ऑर्डर करवा के झूठा FIR दर्ज करा देते थे। अब इसमें इन्होंने अमेंडमेंट ये की है कि जो SHO के पास एप्लीकेशन लेके जाएगा और एप्लीकेशन वो केस नहीं दर्ज करता तो उसके बाद उसके पास जो नेक्स्ट फॉरम है वो है SP, वो SP के पास जाएगा, ठीक। SP उस सारे मामले को देखेगा करना है या नहीं करना, अगर वो नहीं आपकी ठीक FIR दर्ज करता तो उसके बाद आप 22A, 22B के पिटिशन करेंगे या अगर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास, okay. ठीक, उससे पहले नहीं करेंगे। एक इससे एक तो मुकदमात बहुत ज्यादा कम होंगे, ठीक, और मेरा ख्याल है कि ठीक होंगे। एक इससे तो हमारे लाहौर की अगर आप एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ना, हमारे लाहौर में कम अज कम एक दिन में 200-250 22A, 22B की पिटिशन आती हैं, ठीक है, जो डिफरेंट जजेस के पास जाती हैं। एक तो वो भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है उन पर कि उन्होंने उसको भी डिसाइड करा, पहले ही हमारे पास केसेस इतने ज़्यादा है, ऊपर से नए ये पर्चों के भी जो रोल है ये भी आगे जजेस नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये पुलिस के मैटर है, ठीक। तो इस पर अब ये एक दरमियान में जो उन्होंने बेंचमार्क डाला ना कि आप पहले SP के पास जाएं उसके बाद यहाँ पे, इस पे अब जजेस पे जुडिशरी पे भी थोड़ा सा बोझ कम होगा, प्रेशर कम होगा और उससे ऑब्वियसली चेंज आएगा, फायदा होगा। हमने पुलिस की बात की, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैंने इसके अंदर जब मैं ये अपना क्रिमिनल लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं जब मैं उसकी समरी को पढ़ रहा था तो मुझे ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिलेटिव एक पॉइंट नजर आया। हमने देखा कि उसके अंदर ऑब्वियसली ये भी मेंशन किया गया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो यहाँ पे कोई भी प्लॉट लेते हैं, कोई भी जमीन लेते हैं तो उस पर यूजली कब्जा हो जाता था, एक वाला तो ये पॉइंट होता था। दूसरा इससे रिलेटिव ये था कि अगर यहाँ से कोई जुर्म करके कोई मुलजिम बाहर भाग जाएगा तो उससे रिलेटेड भी चीजें, ठीक, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट चीजें। लेकिन मैं यहाँ पे जो भाग जाता है, जो जुर्म करके मुजरिम भाग जाता है, मेरे माइंड में एक ही नाम आ जा रहा है और मैं चाहूंगा कि मैं ये भी जानूं कि क्या इसका एप्लीकेशन जो है वो नवाज शरीफ के, यार वो तो दवाई लेने गए हुए हैं ना, ठीक, वो भागे तो आप चले, मेरा ख्याल है वो दवाई लेने गए हुए और वो अदालत के हुक्म से दवाई लेने गए हुए, वो अब उनको नहीं डॉक्टर उनका अच्छा मिल रहा, लेकिन वो अब सेहत कार्ड इमरान खान ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो मेरा ख्याल है यहाँ पे फ्री में और अच्छा इलाज यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक। अब रही बात ओवरसीज पाकिस्तानी, यार ये एक आज से पहले अनफॉर्चुनेट था कि वो लोग वहाँ पे पैसा कमाते थे, मेहनत करते थे, उसके बाद पाकिस्तान में पैसे भेजते थे, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते थे, तो यहाँ पे क्योंकि वो सारा कुछ टेलीफोनिकली कर रहे होते थे या यहाँ पे अपने कुछ लोगों पे एतबार करके ट्रस्ट पे वो कर रहे होते थे तो लोग बड़ा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं इस चीज़ का। तब इसमें इन्होंने अमेंड ये किया है, अमेंडमेंट नहीं, कि अगर कोई शख्स किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है, ट्रेसपास करता है, ठीक, तो उस पे 10 साल की सजा है। अच्छा, वेरी नाइस। और दूसरा, अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स पे, मिसरिप्रेजेंटेशन पे, फॉर्जरी करके किसी को कुछ देता है, किसी के साथ फ्रॉड करता है, तो उस पे 7 साल की सजा है। अच्छा, ये एक बड़ा एक उन्होंने एक किया है कि कम से कम कुछ ना कुछ चीजें तो इससे ठीक, और जैसे कि किसी पे लेट्स सपोज के बाद भी हो जाता है तो फिर वो 9 महीने के अंदर अंदर तो होना ही है ना, वो कौन सा लंबा होना है, कि ओवरसीज को पहले ये भी प्रॉब्लम था कि उनके 4-5 साल फैसले नहीं होते थे, अच्छा हमारा जो लॉ सिस्टम है ना पाकिस्तान का, ये इटसेल्फ एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, ठीक, कि ये कोई यहाँ से बाहर भी चला जाता है तो उस पर भी एप्लीकेबल है, ठीक। आज से पहले क्या होता था कि लोग यहाँ पे जुर्म करते थे
और उसके बाद थोड़े से पैसे लगाए और जाके दुबई किया और वहाँ जाके याशियाँ कर रहे हैं, ठीक है, और वीडियोस भेज रहे हैं, और जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई है वो कोड़े होते थे देख के यार क्या हमारा को वाले वारिस नहीं है कोई देख रहे। अब यहाँ पे इस अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने एक चीज़ एप्लीकेबल करने की ये किया है कि जो एब्सकॉन्डर होगा, ठीक है, जिसे इश्तिहारी कहते हैं, बिल्कुल ठीक, कि उसके खिलाफ मुकदमा आता है, जो उसके उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज, उसके बैंक कार्ड्स, उसका पासपोर्ट, उसका आईडी कार्ड, उससे बिलोंग करती हर मूवेबल इमूवेबल चीज़, ठीक, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। ये तो पहले भी नहीं हो रहा था। ठीक, नहीं, पहले इतना एप्लीकेबल नहीं था ना, ठीक, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक, उसको उस केस में अटैच किया जाएगा, ठीक है, ठीक। और ये एक बड़ा अच्छा चीज़ होगी कि लोगों को पहले ये था कि हमारा सारा कुछ महफूज है ना, हम बाहर हैं, अब इससे ये होगा कि उनकी जितनी बिलोंगिंग था उसको अटैच किया जा सकता है बीच में सारा। अच्छा, लेकिन मेरा माइंड आई थिंक अब एग्जांपल लें, अगर हम एक और आप देखें इसमें, मेरा कोई पर्सनल नहीं, लेकिन नाम ही ऐसे जहन में आ रहे हैं कि जब बात करें सागदार साहब गए, एक और हम कि यहाँ पे कहेंगे कि जो जुर्म करके भाग गए बाहर, करप्शन करके भाग गए, उनके हमने प्रॉपर्टी सीज की और एसेट सेव की, तो व्हाट इज द वन थिंग जो कि चेंज हुई है, क्योंकि इससे मेरा नहीं ख्याल कि इस अमेंडमेंट से हमारे नवाज साहब को कोई प्रॉब्लम होगी या कोई चेंज उनके ऊपर आएगा, क्योंकि ये तो हम पहले भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पहले कर रहे हैं, तो इसहाक डार साहब की प्रॉपर्टी जो थी उसको सेल करने से अदालत ने ही रोक दिया था, ठीक, उसी पे स्टे दिया था, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब इस चीज की प्रॉपर अमेंडमेंट आ गई और कानून वाजे कर दिया गया है, तो इसलिए अब जो कानून वाजे हो गया कोर्ट भी उसी को एप्लीकेबल करेंगे, उसी को देखेंगे अब इसमें। ये अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है। और अगर हम यहाँ पे अमीरों की बात कर रहे हैं और अमीरों की खरबों की करप्शन की बात कर रहे हैं, तो एक और पॉइंट यहाँ से मेरे जहन में आता है कि हम यूजुअली देखते थे कि जो अमीर जो कि जिन्होंने खरबों की करप्शन की हुई है, तो वो नैब से गए जाके प्ली बार्गेन ली, क्लीन चिट ली और बस मसला खत्म। के बाद क्या अमेंडमेंट हुई है सिलसिले में? अच्छा, इसमें ना एक अमेंडमेंट ये की है कि कुछ केसेस को ना कैटेगराइज कर दिया, ठीक, लॉ एंड जस्टिस में, ठीक, उसमें ये किया है कि जो जुर्म टेररिज्म, कत्ल, बच्चों और वुमेन के खिलाफ नहीं होंगे, छोटे जुर्म होंगे जिसकी सज़ा 3 साल 4 साल 5 साल हो, ठीक, उसमें वन टाइम प्ली बार्गेन हो सकती है, ठीक, कि लेट्स सपोज अगर किसी को सज़ा हुई है 5 साल, ठीक, तो उस पे इन्होंने जो जुर्माना है वो रखा है 1 लाख, कि वो 1 लाख पे करे, ठीक, लेकिन उस 1 लाख का मतलब ये नहीं है कि उसकी सारी सज़ा ख़त्म हो गई, ठीक, उसमें ये है कि अगर वो 5 साल की सज़ा थी तो उसको 2 साल 1.5 साल पे कर दिया, ठीक, इसी तरह 3 साल वाले का भी 50,000 कर दिया, ठीक, कि जो छोटे गरीब चोरियों शोरियों में जो छोटे केसेस में पकड़े हुए हैं, ठीक, और वो भी हमारे जेलों पे ही बर्डन है ना, ठीक है ना, वो अंदर बैठे हैं और छोटे छोटे उनको जुर्माने हुए हैं और वो अंदर बैठे हैं, वो अपना जुर्माना पे करें, ठीक, और वो बाहर आए, लेकिन ये सारा कुछ वन टाइम है, ठीक है, वो हैबिचुअल के लिए ये नहीं है, ठीक, किसी ने वन टाइम किया तो उस पर प्ली बार्गेन हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर। ये अच्छा पॉइंट है काफी, और आई होप के एप्लीकेशन भी इसकी उतनी स्ट्रांग हो जितनी ज्यादा के अमेंडमेंट्स हमें सुनने में अच्छी लग रही है। एक और पॉइंट है, हम देखते हैं ये तो हमारे चले बड़े इश्यूज हो गए, हम अगर बिल्कुल डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आए, यहाँ पे हम देखते हैं गली मोहल्ले के अंदर हैं लोग हैं जाके जितनी भी हमारी माएँ बहनें होती हैं उनको आवाज़ें कस रहे होते हैं, हुटिंग हो रही है, तंग कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, मतलब आई स्पेसिफिकली वांट कि वो अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उनको कोई डेटरेंट के तौर पर यह आंसर मिले, उनके लिए क्या लॉ पेश हुआ, क्या अमेंडमेंट? इसमें ना एक बड़ी अच्छी चीज़ ये की है कि हम इसको अनएथिकल तो समझते थे, ठीक है, लेकिन अनलॉफुल नहीं इसको समझते थे, बिल्कुल, ये वही वाला सोशियोलॉजी का नॉर्म था कि नॉर्म था जिसके अंदर हम सजा कोई नहीं होगी लेकिन आपको बुरा समझा जाए, बुरा समझा जाता था बस, ठीक। अब इस पे किया ये है कि अगर कोई लड़का किसी भी औरत को, लड़की को घूरता है, गंदी आवाजें कसता है, कुछ जुमले कसता है, कोई इशारे करता है, ठीक, वो लड़की इलाके के SHO को एप्लीकेशन देगी, SHO उस लड़के को समन करेगा, उससे एक रिटन अपॉलोजी और वार्निंग देगा, ठीक, फर्स्ट टाइम वार्निंग देगा, इन केस के वो इसको दोबारा रिपीट करता है, ठीक, तो सेकंड टाइम उस पर मुकदमा दर्ज होगा, ठीक, और उसको 1 लाख जुर्माना और 3 महीने की सजा दी जाएगी, वेरी गुड, ठीक, और इन केस के वो इसके बाद भी बाज नहीं आता, फिर रिपीट करता है, ठीक, तो उसके बाद उस पे नेक्स्ट 1 साल कैद और 5 लाख जुर्माना किया,
ये लॉ इसमें बना दिया गया। वेरी गुड, आई होप कि ये आई डियरली होप कि इसकी एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज हम अक्सर देखते हैं कि हम स्कूल कॉलेजों के बाहर आके लड़के जो अपने मोटर बाइक कर रहे होते हैं। तो जितने भी ये लोग सुन रहे हैं प्लीज स्टॉप इट नाउ, बिकॉज पहली दफ़ा तो वार्निंग है लेकिन दूसरी दफ़ा आपको पैसे भी इतने ठुक जाएंगे जो आप नहीं दे पाओगे और जेल के पीछे आपको चपेटें भी पड़ सकती हैं अक्सर, वो शायद पता ना चले लेकिन पड़ेंगी ज़रूर। अच्छा फाइनली मतलब दिस हैज बीन अ वंडरफुल सेशन, लेकिन मैं कंक्लूड करने से पहले वो कहते हैं ना माइक ड्रॉप, आई वुड वांट कि मैं कंक्लूड वहां से करूं। जजेस अपने बीवी बच्चों के एक्ट्स के जिम्मेदार नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रहा, जजेस अपने बीवी बच्चों के एक्ट्स के जिम्मेदार नहीं है, कैसे देखते हैं इस लाइन को? यार ये एक ऐसी जजमेंट है जिसको हम मानते हैं, आ गई है ठीक है, लेकिन इस पे ना हमें फिर वही आ गया है कि दो कानून है, दो लोग हैं, तगड़े के लिए कुछ और है और माड़े के लिए कुछ और है, गरीब लोगों के कुछ और है, कमज़ोरों उनको उनको जो मर्जी करते रहे। हमने अपनी रिटर्न जमा करवानी है तो हमने अपने बीवी बच्चों के एसेट्स लिखने हैं, नहीं लिखने हैं तो FBR ने नोटिस दे देना है, किसी सियासतदान पे आ जाए, अगर वो नहीं करेगा तो वो नायल हो जाएगा, 62-63 पे पूरा नहीं उतरेगा। तो यार ये एक समझ में नहीं आने वाली बात कि आप कुछ लोगों को फायदा दे रहे हैं और बाकी आप लोगों को भेड़ बकरियां समझ रहे हैं, अपनी मर्जी के कानून कर रहे हैं। तो ये आपकी वही बात है, ये वही फैसले हैं जिनकी वजह से हम अभी तक 136वें नंबर पे हैं। तो हमें अब अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में है, हम डेमोक्रेटिक या कोई और रिपब्लिक नहीं है। तो हमें कुछ उसको भी चीज़ों को देखना है, हम सब कानून के नीचे हैं, जुल्म का निज़ाम बेशक चल जाता है ठीक, लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। वाह व्हाट अ वंडरफुल एंडिंग, एंड आई अंडरस्टैंड जो बड़ा मुश्किल था आपके लिए आखिरी जवाब देना, लेकिन दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अफेयर्स इन आवर कंट्री। यहाँ पे हम लोगों को स्पेसिफिक इदारों के बारे में बात करते टाइम 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि कहीं कहीं हम तोहीन अदालत तो नहीं करने लग गए, कहीं हम नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं चले गए, कहीं हम मजहबी तौर पर वाजिबुल कत्ल तो नहीं ठहरा दिए जाएंगे कि हमने तोहीन रिसालत कर दिए। तो ये मामलात हैं हमारे मुल्क के निज़ाम के, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये क्रिमिनल लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं ये चेंज लेके आएंगे, हमें जस्टिस जो है वो स्पीडी नज़र आएगा और इवेंचुअली जो हमारी रेटिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेके इतनी गिरी हुई है तमाम मुमालिक में वो बेहतर होगी। आई वांट टू थैंक यू हैदर मजीद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर कमिंग जी। आप जो एज प्रेसिडेंट ऑफ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब काम कर रहे हैं, इट्स वंडरफुल एंड आई एडमायर दैट, कंटिन्यू विद ऑल द हार्ड वर्क, बेस्ट ऑफ लक टू यू, थैंक यू सो मच। दिस हैज बीन अ वंडरफुल सेशन एंड दिस इज मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट फ्रॉम द correspondent.pk, अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।